जैसे कुत्ते की पूंछ जो है वो कभी सीधी नहीं होती है, इतना भी प्रयास कीजिए। जैसे कुत्ते की पूंछ जो है वो कभी सीधी नहीं होती है, इतना भी प्रयास कीजिए। जैसे कुत्ते की पूंछ जो है वो कभी सीधी नहीं होती है, इतना भी प्रयास कीजिए। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप हैं न्यूज फाउंडेशन पर। मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव का जो चुनाव प्रचार है वो उसका आज अंतिम दिन है और तमाम दलों ने ताकत झोंक दी है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव जो है धुआंधार प्रचार कर रहे हैं हेलीकॉप्टर से, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी जो है कमर कस ली है और बड़े बड़े दिग्गजों को एक साथ मैदान में उतारा है। बड़ी बात यह है कि बिहार के मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव को लेकर के आरजेडी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई है और इसमें बीजेपी के बड़े नेताओं और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने बड़ा बयान दिया है। आरजेडी को लेकर के कहा है कि आरजेडी तो कुत्ते की दुम है, वो सीधी नहीं होने वाली। दरअसल कुत्ते की दुम एक मुहावरा है जिसका इस्तेमाल आरजेडी के लिए किया है सुशील मोदी ने। बता दें कि सुशील मोदी चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं गोपालगंज, जहां पर भाजपा उम्मीदवार कुसुम देवी के समर्थन में वोट मांगने पहुंचे हैं सुशील मोदी और वहां पर आरजेडी पर बड़ा हमला बोला है। क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं पहले आपको। महागठबंधन में नीतीश जी ने जिनके साथ दोस्ती की है उनका इतिहास अपराधियों को लेकर चलने वाला रहा है और यहाँ भी जो बाई इलेक्शन हो रहा है उसमें जो राजद के उम्मीदवार हैं वो किन लोगों को लेकर घूम रहे हैं, कौन उनके साथ जुलूस में चल रहे हैं, कौन लोग हैं जो तेजस्वी के मंच को साझा कर रहे हैं, जिनसे लोग डरते हैं, जिन पर मकानों पर कब्जा करने का आरोप है, जिनों का आपराधिक इतिहास है, तो ये राष्ट्रीय जनता दल सुधरने वाली पार्टी नहीं है। जैसे कुत्ते की पूँछ जो है वो कभी सीधी नहीं होती है, कितना भी प्रयास कीजिए, तो वैसे ही राष्ट्रीय जनता दल का जो चरित्र और इतिहास है वो अपराध और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले लोगों का इतिहास रहा है। तो ये सुधरने वाले लोग नहीं हैं, बिना अपराधियों के ये शासन में नहीं आ सकते, इसलिए इनकी जो पूरी ताकत है वो अपराधियों को संरक्षण देकर ये अपनी ताकत इकट्ठा करते हैं, ताकतवर बनने का काम करते हैं। इसलिए नीतीश जी ने जैसे पार्टनर बदला तो बिहार में स्थिति खराब होने लगी, लोग डरने लगे, लोग भयभीत हो गए, लोगों को डर लग रहा कि जंगल राज लौट कर आ जाए। तो राष्ट्रीय जनता दल सुधरने वाले लोग नहीं हैं, वो जहां भी शासन में रहेंगे इस प्रकार की घटनाओं के अंदर और वृद्धि होगी। बता दें आपको कि गोपालगंज उपचुनाव में इस बार जो है बीजेपी वर्सेस आरजेडी की पूरी लड़ाई है। कहा जा रहा है कि वहां पर क्योंकि वो सीट बीजेपी के विधायक के असामायिक निधन की वजह से खाली हुई, तो बीजेपी ने उनकी पत्नी कुसुम देवी को मैदान में उतारा, तो मोहन गुप्ता को जो है आरजेडी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। पिछली बार की विधानसभा चुनाव साल 2020 में यहां पर कांग्रेस महागठबंधन से चुनाव लड़ी थी और 3 नंबर पर आई थी। 2 नंबर पर तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव आए थे जो कि बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और सुभाष जो कि बीजेपी से चुनाव लड़े थे उन्होंने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। तो एक बार फिर से जो है जुबानी हमले तेज हो गए हैं मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव को लेकर के, एक एक करके जो है एक के बाद एक जो है पलटवार किए जा रहे हैं और सुशील मोदी ने जो है आरजेडी को कुत्ते की दुम कहते हुए कहा है कि आरजेडी का चाल चरित्र कभी भी नहीं सुधरने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।